खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और बड़ी खबर आ रही है, हम चाहते हैं वो भी आप जान लें। नागरिकता कानून के विरोध में हैदराबाद के जाने माने व्यंगकार मुजतबा हुसैन ने और पद्मश्री सम्मान लौटाने का अपना ऐलान कर दिया है। हुसैन साहब ने कहा है कि नागरिकता कानून को लोकतंत्र पर हमले के तौर पर वो देखते हैं और इसी तरह अपना सम्मान वो लौटाएंगे। इस वक्त की यही बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर व्यंगकार हैं, जाने माने व्यंगकार हैं देश के मुजतबा हुसैन, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया है। हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये जो कानून है नागरिकता का, ये लोकतंत्र पर हमला है। नागरिकता संशोधन कानून लोकतंत्र पर हमला बताया है हुसैन साहब ने और ये कहा है कि इसके विरोध में मैं अपना सम्मान लौटाऊंगा भारत सरकार को। पद्मश्री जो कि उन प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है, देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, उन लोगों को दिया जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों में समाज में अपना योगदान देते हैं। नागरिकता कानून के विरोध में हैदराबाद के जाने माने व्यंगकार मुजतबा हुसैन ने पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। हुसैन साहब ने कहा है कि नागरिकता कानून लोकतंत्र पर हमला है और इसके विरोध में वो अपना सम्मान लौटाएंगे। नागरिकता कानून को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले भी तमाम सेलिब्रिटीज नागरिकता कानून के विरोध में अपनी अपनी तरह से अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन मुजतबा हुसैन जो कि जाने माने व्यंगकार हैं देश के, पद्मश्री से सम्मानित हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस कानून का वो विरोध करते हैं और मानते हैं कि लोकतंत्र पर हमला है ये कानून और इस विरोध में वो अपना पद्मश्री सम्मान लौटाएंगे। तो एक तरह से अपने विरोध करने का एक तरीका जाने माने व्यंगकार मुजतबा हुसैन ने चुना है और विरोध करने का तरीका ये कि जो सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है देश का पद्मश्री, वो लौटाने का ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि एक नागरिकता कानून लोकतंत्र पर हमला है और इसके विरोध के तौर पर वो अपना पद्मश्री सम्मान लौटाएंगे। मुजतबा हुसैन, बता दें आपको, जाने माने व्यंगकार हैं देश के, हैदराबाद से आते हैं। मुजतबा हुसैन ने कहा है कि नागरिकता कानून लोकतंत्र पर चोट है और इसीलिए वो विरोध के तौर पर अपना जो सम्मान है वो लौटाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन फिर आपसे अपील कर रहे हैं कि किसी भी हाल में अपने आसपास पनप रही किसी भी झूठ या अफवाह को ध्यान मत दीजिए, उस अफवाह पर यकीन मत कीजिए। किसी भी मुद्दे पर अपनी राय तब बनाइए जब आप उस मुद्दे को लेकर ठीक से जान ले, समझ ले। पिंकी राज पुरोहित लगातार हमारे साथ, हमारी संवाददाता बनी हुई हैं। पिंकी, मशहूर व्यंगकार मुजतबा हुसैन को लेकर मैं जानना चाहती हूँ, क्या कहा है उन्होंने और अभी तो ऐलान ही किया है, खैर क्या उनको मनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल, फिलहाल जो है उनका बयान सामने आया है, जो कि जाने माने उर्दू ऑथर है मुजतबा हुसैन, उन्होंने ये बयान दिया है कि जिस तरह का अनरेस्ट जो है वो देश में एक तरह से चल रहा है, जिस तरह का एटमॉस्फियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, फियर का एटमॉस्फियर, इस तरह का बयान जो है उनका सामने आया, जहां पर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हेटरेट फैलाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि वे अपना ये जो पद्मश्री उसे वापस करेंगे। 2007 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था, 87 साल के हैं वे, और कल उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जिस तरह से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और साथ ही सीएबी का ये एक्ट जो है वो सामने आया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में जो है एक अनरेस्ट का माहौल है जो उन्हें जो है काफी डिस्टर्ब करता है और आने वाली पीढ़ी के लिए वे अपना ये उनके वेलफेयर के लिए जो है अपना ये अवार्ड वापस करेंगे। तो ये बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।